चिकित्सा विभाग का विशेष जांच अभियान आज है और 27 आकांक्षी ब्लॉक का निरीक्षण करने के लिए मुख्यालय से टीमें भी पहुंच रही हैं। अभियान को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने इस बाबत जानकारी दी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से 27 आकांक्षी ब्लॉक महत्वपूर्ण है और इन ब्लॉक्स पर विशेष निरीक्षण करने के लिए राज्य स्तर से टीमें पहुंच रही है। मुख्यालय से जाने वाली ये टीमें संबंधित जिले में आकांक्षी ब्लॉक के साथ ही एक अन्य ब्लॉक का निरीक्षण करेगी और आगामी कार्य दिवस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये टीमें बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर ग्रामीण, करौली, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, शाहपुरा, सिरोही, टोंक व उदयपुर के 27 आकांक्षी ब्लॉक एवं एक अन्य ब्लॉक का निरीक्षण करेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये निरीक्षण क्योंकि रिपोर्ट पेश करना है और ये तमाम जिलों का जिक्र हमने किया जहां पर ये रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद इस रिपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये अभियान है जानकारी देंगे हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा। विकास जी, जरा इस अभियान के बारे में बताइए क्योंकि लगभग कई जिलों को कवर किया जाएगा, वहां पर जाकर फीडबैक लेकर एक रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद उसे पेश किया जाएगा, विस्तार से बताइएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल, चिकित्सा संस्थानों की सेहत जांचने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के अंदर विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें कि हर चिकित्सा संस्थान का आज औचक निरीक्षण जो है, औचक निरीक्षण तो इसको नहीं कहेंगे, एक रूटीन निरीक्षण होगा और उसके लिए पूरे प्रदेश भर में टीमें जो है वो भेजी गई है। मुख्यालय के अलावा और जो जिले हैं वहां से टीमें भेजी गई है जो कि प्रत्येक चिकित्सा संस्थान जो है वहां पर जाएंगे और वहां जाकर के उसका दौरा करेंगे, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और वहां का माफ कीजिएगा उनका जो ऑनडम सिस्टम है उसकी जांच की जाएगी। ऑपरेशन मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, वहां पे क्या क्या जरूरतें हैं, उन सभी का देखरेख जो है वो देखा जाएगा और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय को दी जाएगी। खुद इसे स्तर से लेकर के तमाम जो अधिकारी है वो आज फील्ड में उतरेंगे करके अलग अलग डिस्पेंसरीज है दौरा करेंगे। अगर बात करें शुभ्रा सिंह की तो वो खुद सुबह 8:30 बजे घर से निकल चुकी है अभी और जो जानकारी मिल रही है वो टाक्सू के अंदर वो निरीक्षण करेंगे। टाक्सू की जो चिकित्सा संस्था है विकास, क्योंकि विकास जी, क्योंकि सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो आकांक्षी ब्लॉक और 27 आकांक्षी ब्लॉक्स का निरीक्षण होना है, इसे सरल शब्दों में समझे तो दरअसल ये है क्या? देखिए, आकांक्षी ब्लॉक वो चिकित्सा संस्थान है जहाँ पर विशेष तरह के इंतजाम जाते हैं या फिर उनको सेवाएं अलग तरह की होती है तो वो केंद्र रहते हैं जहाँ पर मातृ शिशु जो सेवाएं उनको विकसित करना होता है। ये जो तमाम तरह के जो केंद्र है इन केंद्रों का अलग से निरीक्षण किया जाएगा, इसके लिए मुख्य टीम भेज जाएगी और मुख्यालय से टीम भेज गई है और इन सभी 27 ब्लॉकों के अंदर जो टीमें जाएगी ये पूरे अपने स्तर रिपोर्ट पेश करेगी और उसके आधार पर जो चीजें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी विस्तार से इसे समझाने के लिए।